हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि स्नैपचैट की फोटो को गैलरी में सेव कैसे करें। अगर आप स्नैपचैट पर फोटो खींचते हैं तो वो आपके स्नैपचैट एप्लीकेशन में ही सेव हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्नैपचैट की फोटो एप्लीकेशन में सेव ना होकर डायरेक्ट गैलरी में सेव हो, तो आप इसको कैसे सेट करें। आपको 2 से 3 सेटिंग्स करनी पड़ेंगी अपने स्नैपचैट अकाउंट में। उसके बाद आप जो भी फोटो खींचोगे स्नैपचैट एप्लीकेशन से, वो सारी फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। ऑटोमेटिक आपकी सारी फोटो गैलरी में जाएंगी। तो ये आप कैसे करें, छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो होगी, तो बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, कि आप स्नैपचैट की फोटो को गैलरी में कैसे लाओगे। मेरी बताई गई सारी स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझना, आप अपने स्नैपचैट के फोटोज को डायरेक्ट गैलरी में सेव करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, मेरा स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान समझ। जैसे कि देखो, अगर अभी मैं यहाँ पर फोटो खींचता, जैसे कि मैंने फोटो खींच लिया यहाँ पर, और उसके बाद अगर आप इस फोटो को सेव करते हैं, नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिलता है। अगर आप अभी इस फोटो को सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस पर सेव कर दिया। अब ये फोटो तो सेव हो चुका है, लेकिन ये अभी गैलरी में नहीं जाएगा। गैलरी में नहीं जाता होगा, आपके भी नहीं जाता, मेरा भी नहीं जाएगा। अब आपको सेटिंग्स करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले तो यहाँ से बैक करना है। देख सकते हैं फिर से मेरा कैमरा रोल ओपन हो चुका है, कैमरा वाला। अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस साइड में प्रोफाइल का। देख सकते हैं साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक कर देना है प्रोफाइल पर। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, अब देखो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल ओपन हो चुके हैं, मेरी आईडी यहाँ पर अनुपम पाठक, देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स करनी है। उसके लिए आपको क्या करना, ऊपर की साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला सेटिंग्स का आइकन दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में, आपको सिंपल भी आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की साइड में आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना, स्क्रॉल करेंगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर प्राइवेसी कंट्रोल, देख सकते हैं प्राइवेसी कंट्रोल का एक सेक्शन आ जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कौन सा वाला, ये वाला, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा मेमोरीज, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपके स्नैपचैट के सेटिंग्स में। मेमोरीज का आपको ऑप्शन देख लेना है ध्यान से, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल भी आपको इसी पर क्लिक करना है मेमोरीज पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ एक ऑप्शन मिल जाता है, सेव बटन, यहाँ पर लिखा हुआ सेव बटन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप जो भी फोटो खींचेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन से वो कहाँ पर सेव करनी है, इसका सेटिंग यहाँ से होता है। अब आपको क्या करना, आप अपने स्नैपचैट की फोटोज को गैलरी में सेव करना चाहते हो, उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव बटन वाले पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब देखो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी आपके में पहले वाला सिलेक्ट होगा, पहले वाला, हर किसी के में पहले वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है। इसका मतलब होता है ओनली स्नैपचैट एप्लीकेशन में आपकी फोटो सेव होगी, पर हमें क्या करना है अपने मोबाइल की गैलरी में। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना, दूसरा वाला, जिस पर लिखा हुआ है मेमोरीज और कैमरा रोल, यानी आपके स्नैपचैट में भी ये फोटो सेव हो जाएगी और आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगी। तो आपको यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है। बस आपको यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से आपको यहाँ से बैक कर देना है। अब देख सकते हैं मैं फिर से मेरा स्नैपचैट के कैमरा पे आ चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ फोटो खींच के दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फोटो खींच लिया ये वाला, और अगर मुझे इसको सेव करना है तो नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल भी आप यहाँ से फोटो को सेव कर देंगे, जैसे कि मैंने अपना फोटो सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरा फोटो ये वाला सेव हो चुका है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा गैलरी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं आया था यहाँ से बैक अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा अपना गैलरी एप्लीकेशन ओपन करूंगा, गैलरी में आपको दिखाऊंगा फोटो पहुंचा कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर गैलरी एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब मैं देखता हूँ जो मैंने यहाँ पर अभी फोटो खींचा, देख सकते हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक नया फोल्डर ऐड हो चुका है स्नैपचैट के नाम से। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक नया फोल्डर आ चुका है जिस पर कि स्नैपचैट लिखा हुआ है। तो सिंपल भी आप जितने भी फोटो खींचेंगे वो आपकी गैलरी में इसी फोल्डर में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये फोटो मैंने अभी अभी खींचा था जो कि यहाँ पर आ चुका है, और स्नैपचैट का फोल्डर भी अलग बन चुका है। फोटो पर क्लिक करूंगा, देख सकते हैं मेरा फोटो सेव हो चुका है गैलरी में, ए वाला। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट के फोटोज को गैलरी में सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।